स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस है लेवल वन के जो एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसका लिमिट। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन एक्चुअली एल हॉस्पिटल रूल हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके पास काफी लंबा मेथड से करते हैं तो उसको शॉर्टकट मेथड से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास लेवल वन का जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो आपके पास दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें दिया हुआ है लिमिट x tendings to pi by 2, ब्रैकेट में दिया हुआ x tan x माइनस पाई बाई टू इंटू सेक एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एल हॉस्पिटल रूल तभी आप लगा पाएंगे जब आपके पास न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। चलिए इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x tendings to pi by 2 और उसके बाद ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू इंटू कोसेक एक्स को, सॉरी सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये इस तरीके से कॉस एक्स और ये टू एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम हो जाएगा टू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये देखेंगे ये एलसीएम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स और उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस में आपको हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी एक्स साइन एक्स नहीं होगा, अगर ये एलसीएम देंगे तो ये देखेंगे ये कट जाएगा टू एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाते कितना हो जाएगा पाई आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये आपके पास अगर रखेंगे तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसको एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल हमारे लिए होता क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाय टू। यहां पर देखेंगे दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, तो हो जाएगा टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड कितना दिया हुआ है साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वन और माइनस पाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है साइन एक्स वो भी माइनस में। ठीक है, अब ये देखेंगे डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा टू इंटू यहां पर देखेंगे ये होगा पाई बाय टू इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू। ठीक है, डिवाइड बाई माइनस टू इंटू साइन पाई बाई टू। ठीक है, देख रहे हैं कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है। और एक चीज और है, यहां पर देखेंगे ये टू से टू चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे फर्दर यू कैन राइट डाउन इसकी वैल्यू कितनी रहेगी जीरो, तो ये आपके पास आएगा जीरो प्लस में वन डिवाइड बाई कितना आएगा माइनस वन, तो आंसर कितना आया वन डिवाइड बाई माइनस वन, फाइनल आंसर कितना है माइनस वन, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो वन अपॉन एच इंटू एट प्लस एच रेस टू वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन टू एच दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे इसको अगर यहां पर सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, ये क्या है सेपरेट है तो इसको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपको लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा टू एच और उसके बाद एट प्लस एच रेस टू वन बाई थ्री, ये इसका एलसीएम आया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये एलसीएम लेंगे तो टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा कितना आपके पास टू माइनस ये टू एच कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा कितना यहां पर एट प्लस एच रेस टू वन बाई थ्री। ठीक है, अब ये देखेंगे अब यहां पर ये क्या आ गया आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया, जब जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया तो होगा क्या आपके पास विच इज इक्वल टू लिमिट एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल को लगाएंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, ये मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये इसका डेरिवेटिव कितना होगा जीरो माइनस ये पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई होता है वन बाई थ्री एट प्लस एच,
एट प्लस एच, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू ये ब्रैकेट के टोटल वैल्यू का डेरिवेटिव कितना होगा 1 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे दो टर्म फर्स्ट और सेकंड, 2 को बाहर लिया और ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो एच इंटू 1 बाई 3 8 प्लस एच रेस टू 1 बाई 3 माइनस 1 होगा, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा इतना इंटू इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 8 प्लस एच रेस टू 1 बाई 3 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब यहां पर डायरेक्टली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एच टेंडिंग टू कितना है 0, एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट एच की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस 1 बाई 3 8 प्लस 0 रेस टू 3 1 जा 3 माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई यहां पर क्या होगा ये 2 है और एच की वैल्यू 0 है, ठीक है, हो जाएगा टोटल कितना होगा 0 इंटू 1 बाई 3 8 प्लस 0 रेस टू माइनस 2 बाई 3 प्लस में ये कितना हो जाएगा यहां पर आपके पास 8 प्लस 0 रेस टू 1 बाई 3 ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब ये देखेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर कितना हो जाएगा 8 रेस टू या आपके पास 1 बाई 3 इंटू 8 रेस टू माइनस 2 बाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 रेस टू 1 बाई 3 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा, सुन रहे हैं नहीं बातें, 8 रेस टू 1 बाई 3 की वैल्यू 2 होती है, ये 2 यहां पर है तो 2 इंटू 2 हो गया, 8 रेस टू 1 बाई 3 का वैल्यू 2 बाई 3 का वैल्यू निकाल, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 बाई 3 इंटू 8 रेस टू 1 बाई 3 टोटल रेस टू माइनस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा, 2 रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, तो इसको नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 इंटू 2 रेस टू माइनस 2 डिवाइड बाई 4, 2 रेस टू माइनस 2 को नीचे लेगा तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन और 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, ये आपके पास आंसर मिला। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन x और उसके बाद दिया हुआ x माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो चेंज ऑफ लिमिट हमने पढ़ाया हुआ था, क्या बोला था हमने, यहां बोला था x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 है यहां पर है तो हमने बोला था प्लस h कर लेना और यहां पर h टेंडिंग्स टू 0 करना, ये चेंज ऑफ लिमिट हो गया, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा आपको लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच होगा क्योंकि x की वैल्यू क्या होगा पाई बाई 2 प्लस एच और डिवाइड बाई ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एच और माइनस पाई बाई 2 टोटल का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एच, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे अगर वैल्यू रखा जाए तो क्या आ रहा है 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएट कर दो तो डिफरेंशिएट करेंगे एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगाएंगे ये 0 बाई 0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगाएंगे कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 ये क्या हो जाएगा 0 cos h का डेरिवेटिव माइनस साइन h तो कितना हो जाएगा प्लस साइन h डिवाइड बाय h की वैल्यू 1। अब ये देखेंगे h की वैल्यू कितना रखेंगे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा यहां मिलेगा साइन 0 डिवाइड बाय 1, तो आंसर कितना है आपके पास यहां पर 0 आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 cos पाई x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस रूट में x दिया हुआ है, तो यहां पर अब ये देखेंगे तो ये भी वैल्यू कितना आ रहा है 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, लगा दो एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 cos x का डेरिवेटिव कितना होता है
माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर कितना दिया, पाई बाई टू इंटू एक्स दिया हुआ, इंटू ये टोटल वैल्यू जो एक्स है उसका डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा, ये पाई बाई टू डिवाइड बाई वन का डेरिवेटिव कितना होगा जीरो, माइनस में वन अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन अपॉन टू रूट में एक्स होता है, ठीक है, वन अपॉन टू रूट में एक्स। अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स की वैल्यू वन रखो तो कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू इंटू वन इंटू पाई बाई टू डिवाइड बाई ये कितना होगा माइनस वन अपॉन टू इन रूट में वन, ठीक है, ये देख रहे ना, ये माइनस से क्या होगा माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई टू, तो आंसर आएगा वन इंटू पाई बाई टू डिवाइड बाई वन बाई टू, ये कितना हो जाएगा ये टू टू से कैंसिल, तो आंसर कितना आया पाई, इसका फाइनल आंसर आ गया अपने पास पाई। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1 से पाई बाई टू एक्स इंटू लॉग एक्स, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तभी लगेगा जब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में करेंगे, लॉग एक्स को तो कर नहीं कर सकते, किसको कर सकते हो इसको कर सकते हो, चलिए करिए, तो इसको लिख सकते हैं आप लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये हो जाएगा लॉग एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से आया। अब यहां पर देखेंगे log 1 की वैल्यू 0, यहां पर रखेंगे π by 2 की वैल्यू 0, तो which is equal to 0 by 0 फॉर्म आया नहीं है, ये 0 by 0 फॉर्म है, चलिए इसमें L हॉस्पिटल लगाइएगा, L हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x का डेरिवेटिव 1 by x डिवाइड बाय यहां पर देखेंगे इसका देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास माइनस में साइन पाई बाई टू एक्स इंटू इंटू ये देख रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पाई बाई टू इंटू वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, अब देखेंगे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट वन सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट वन सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा 1 बाई 1 डिवाइड बाई ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हुआ और उसके बाद कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इंटू 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा ये माइनस करते हैं माइनस 1 बाई 1 हो जाएगा, समझ में आई कि नहीं बातें, ये देखना ना माइनस से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 1 हो जाएगा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 ये हो जाएगा पाई बाई 2 ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू माइनस 1 अब कितना है ऊपर ले जाएंगे तो आंसर आएगा 2 बाई पाई, इसका ये फाइनल आंसर है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cos x इंटू log ऑफ इन ब्रैकेट में tan x दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसमें एल हॉस्पिटल तभी लगाएंगे जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, ये देख रहे ना इसको तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इस चीज को, चलिए करेगा तो यहां पर इसको लिख सकते हैं आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन सेक एक्स इंटू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट में टेन एक्स होगा, मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास जो आएगा ये वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू पाई बाई टू लॉग इन ब्रैकेट टेन एक्स डिवाइड बाई कितना है सेक एक्स, ठीक है, अब ये देखेंगे पाई बाई टू रखेंगे टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है इंफिनिटी होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी इंफिनिटी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इंफिनिटी डिवाइड बाई इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है, तो इसको एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स मींस वन बाई टेन एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, ये देखना एक सेक एक्स से एक सेक एक्स कैंसिल हो गया, बात समझ में आई, अब आगे चलते हैं आगे इसको लाएंगे तो ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये आपके पास आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू अगर इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये वन अपॉन टेन स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइएगा
इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई बाई टू। ठीक है, एक्सटेंडिंग्स टू पाई बाई टू, डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, पहले लिख लो। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख दो ना कॉट स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाई टू। कॉट पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर कितना, जीरो हो जाएगा। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस में log x माइनस x डिवाइड बाय 1 माइनस 2x प्लस में x स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए अब यहां पर देखेंगे, ये वैल्यू रखा जाए तो log 1 की वैल्यू 0 और ये 1 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ये 0 बाय 0 फॉर्म आया कि नहीं है, 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर एल हॉस्पिटल लगा देंगे जब 0 बाय 0 का फॉर्म आ रहा है, एल हॉस्पिटल लगाएंगे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाई x माइनस में 1 है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 0 माइनस 2 प्लस में 2x, ऐसा है नहीं है, 2x का डेरिवेटिव माइनस ये इसका डेरिवेटिव। तो ये देखेंगे फिर से आपके पास क्या आ गया, ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 ये आया आपके पास 1 बाई x माइनस 1 डिवाइड बाई कितना है माइनस 2 और प्लस में 2x। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई यहां पर देखेंगे फिर से रखेंगे तो ये आ रहा है 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आया, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, अप्लाइंग अगेन एल हॉस्पिटल फिर दोबारा लगाइएगा तो ये हो जाएगा लिमिट x tendings to 1 इसका डेरिवेटिव minus 1 upon x square minus 0 इसका डेरिवेटिव डिवाइड बाय ये हो जाएगा 0 और प्लस में हो जाएगा 2। अब डायरेक्ट x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा minus 1 by 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 1 by 2 आपके पास ये फाइनल आंसर बन देगा। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 sin x plus h into log x plus h minus sin x और log x। यहां पर देखेंगे h टेंडिंग्स टू 0 दिया हुआ है, जब h टेंडिंग्स टू 0 दिया हुआ है तो कहने का मतलब वेरिएबल कौन हुआ, h वेरिएबल हुआ, x जो है यहां पर कांस्टेंट जैसा भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखें अगर वैल्यू रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा तो sin x और ये log x, तो आपके पास क्या आया 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी एडीसी वैल्यू 0 है तो 0 वैल्यू है 0 बाय 0 फॉर्म आया तो एल हॉस्पिटल को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। बहुत ही आसान मेथड है, कभी भी ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो आराम से आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखेंगे sin x का डेरिवेटिव, देख रहे हैं यहां पर दो फंक्शन एक ये है और एक ये है, तो u * v रूल लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स प्लस एच इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस एच होगा। ठीक है, एक्स प्लस एच का डेरिवेटिव कौन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 क्योंकि ये कॉन्स्टेंट जैसा भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 1 आया क्योंकि h का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे वैल्यू डायरेक्ट रखो, वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे कितना हो जाएगा sin x plus 0 into 1 upon x plus 0 प्लस में log कितना हो जाएगा log x plus 0 into cos में कितना हो जाएगा x plus 0 क्योंकि h की वैल्यू 0 है। अब देखेंगे इसको अपना निपटा लीजिएगा तो हो जाएगा कितना साइन एक्स बाई एक्स प्लस में कितना जाएगा लॉग एक्स इंटू आपके पास कितना है कॉस एक्स। आप चाहो तो ऐसे लिखो चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना हो जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए पाई बाई 4 रखेंगे टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास कितना होगा 1 माइनस 1 0 आ गया, इधर साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तो क्या करेंगे यहाँ पर
एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल के बारे में सोचिएगा, तो ये आएगा आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई फोर, वन का डेरिवेटिव जीरो, टेन एक्स का डेरिवेटिव सिक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई इसका जीरो, माइनस रूट में टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो आया लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू पाई बाई फोर पर माइनस sec स्क्वायर x डिवाइड बाई माइनस रूट में टू कितना, cos x। ये देख रहे हैं ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो, अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई फोर डिवाइड बाई रूट टू इंटू cos पाई बाई फोर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये जो वैल्यू आई विच इज इक्वल टू कितना आ गया, करिए इसकी वैल्यू आया कितना, रूट में टू का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा टू, तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इधर ही फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ है ये, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री, एफ डैश ए इज इक्वल टू माइनस टू, g of a is equal to minus a, g dash a is equal to 4, then limit x tendings to a, g of x into f of a minus g of a into f of x divide by x minus a की वैल्यू। अगर आप देखा जाए, देखिएगा x की वैल्यू ये रखेंगे g of a f of a, g of a f of a कितना होगा, माइनस 3 होगा। ठीक है, फिर उसके आगे कितना हो जाएगा, माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है यहां पर देखेंगे ए बाई ए जीरो बाई जीरो फॉर्म आया कि नहीं आया, जब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आया एल हॉस्पिटल लगा सकते नहीं लगा सकते, देख रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करो जी ऑफ ए आया, जी ऑफ ए की वैल्यू माइनस वन, ये वैल्यू थ्री, तो कितना है माइनस थ्री आया। फिर उसी तरीके से यहां पर ए है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू थ्री है, इसकी वैल्यू माइनस ए, माइनस थ्री इंटू प्लस थ्री, माइनस थ्री और प्लस थ्री कितना होगा जीरो होगा, इधर ए माइनस ए जीरो आ गया। ठीक है, अब यहां पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो मिलेगा कितना आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए। ठीक है, एक्स टेंडिंग्स टू ए, ये एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, ये क्या डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ डैश एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी डैश ए डायरेक्ट रखो, जी डैश ए आया इंटू एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए आ गया। सबकी वैल्यू जी डैश ए की वैल्यू कितनी दिया हुआ, फोर, तो हो जाएगा फोर इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना दिया हुआ, थ्री, माइनस जी ऑफ ए की वैल्यू कितना दिया हुआ, माइनस वन, इंटू ये एफ डैश ए की वैल्यू कितना दिया हुआ, माइनस टू दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 12, माइनस में कितना जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 2, आंसर आया कितना 10, ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया 10। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, लिमिट एच टेंडिंग्स टू ए, ए प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन ए दिया हुआ है। मेरे समझ में आया क्वेश्चन, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, a प्लस एच का स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए डिवाइड बाई एच दिया हुआ है। ठीक है, अगर वैल्यू रखा जाए तो यहां पर रखेंगे a स्क्वायर होगा, h की वैल्यू जीरो रखो, a स्क्वायर इधर साइन ए हुआ, a स्क्वायर होने साइन ए कितना आ गया, जीरो आ गया, h की वैल्यू जीरो, तो यह आएगा आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। तो यहां पर देखेंगे जब जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया तो एल हॉस्पिटल को अप्लाई करो, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, इधर देख रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मीन्स ए प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस एच आया, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड कितना दिया हुआ है, साइन ए प्लस एच इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पावर बाहर आएगा टू ए प्लस एच। ठीक है, 2a plus h power raised to कितना हो जाएगा, 2 minus 1 होगा, into ये bracket का derivative 1, minus में तो total constant term है ना, variable कौन है यहाँ पर, h जिसमें है वो variable है, ये total constant है, minus इसका derivative 0, divide by इसका derivative कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब एच की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस जीरो का स्क्वायर इंटू कॉस ए प्लस जीरो प्लस साइन ए प्लस जीरो इंटू टू ए प्लस जीरो रेस टू वन, वन लिखवाया रेस कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो ये सिस्टमेटिक करके लिखेंगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना कॉस ए प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए इंटू टू ए, आप चाहो तो यहां से ए को कॉमन ले सकते हैं, ए को कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा ए कॉस ए प्लस टू साइन ए, ये आपके पास जो मिला फाइनल आंसर मिला। अपने पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू a 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस x क्यूब दिया हुआ है, तो अभी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे सेपरेट कर देंगे दोनों, कैसे करते हैं आगे चलते हैं देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग करते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा कि नहीं होगा, ये इसका फैक्टर कर दिया मैंने, ठीक है, इसका फैक्टर कर दिया। अब यहां पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन डिवाइड बाय वन माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये है। अब यहां पर देखेंगे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, ये मिलेगा तो कितना मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये यहां पर देखेंगे टोटल वैल्यू कैंसिल होकर कितना मिलेगा माइनस थ्री मिला, बात समझ में आई। अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाय, ये दोनों कहां से आए हुए, ये यही से आए हुए ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आ गया। x की वैल्यू वन रखो तो क्या आ रहा है, देख रहे ना ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आया कि नहीं है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, डिफरेंशिएट कर दो एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू वन, ये कितना होगा टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, देख रहे ना ये इतनी वैल्यू आई। अब यहां पर देखेंगे जब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, और नीचे आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 3, रख दो वैल्यू डायरेक्ट, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू रखेंगे तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा 2 * 1 + 1 डिवाइड बाय माइनस 3 * 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय माइनस 3, कैंसिल करो माइनस आंसर कितना आएगा माइनस आया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफिनिटी x रेस टू 5 डिवाइड बाय 5 रेस टू x दिया हुआ है, तो यहां पर अगर ये देखा जाए तो ये किस फॉर्म में है इनफिनिटी डिवाइड बाय इनफिनिटी, क्योंकि x रेस टू इनफिनिटी देख रहे ना इनफिनिटी रेस टू 5 तो इनफिनिटी आएगा, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी का फॉर्म है, ठीक है, तो यहां पर एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफिनिटी, ये हो जाएगा 5x रेस टू 4 डिवाइड बाय 5 रेस टू x इनटू log 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, फिर से देखा जाए तो ये क्या है इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है, फिर से लगा दो एल हॉस्पिटल, ठीक है, तब तक हम लगाएंगे जब तक ये फाइनाइट ना आ जाए, एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफिनिटी, ये हो जाएगा 20x क्यूब डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 5 रेस टू x इनटू log 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि log 5 फिर से आएगा तो log 5 * log 5, log 5 का स्क्वायर हो जाएगा, चलिए फिर से अगर देखा जाए तो ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी का फॉर्म देना है, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करो, एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिटी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर डिवाइड बाय 5 रेस टू x log 5 रेस टू कितना आएगा ये 5 का क्यूब, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिर से ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी का, मैंने क्या बोला है तब तक डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर एल हॉस्पिटल फिर लगा दो, इधर आ जाते हैं, ठीक है, फिर से एल हॉस्पिटल लगाएंगे,
एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएगा तो हो जाएगा 120 एक्स डिवाइड बाय 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5 रेस टू 4 हो जाएगा। फिर से अगर देखा जाए वैल्यू रखो तो ये कितना रहा है, विच इज इक्वल टू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। फिर से एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे कितना हो जाएगा ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 5 रेस टू एक्स लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 5 रेस टू 5 आ गया। अब न्यूमरेटर से आपके पास x हट गया, न्यूमरेटर आपके पास क्या आ गया, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो यहां पर ये देखेंगे ये वैल्यू रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 5 रेस टू इंफिनिटी और ये आपके पास आया log 5 आ गया इसका रेस टू 5। ये देखेंगे 5 रेस टू इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी तो हो जाएगा 120 डिवाइड बाय इंफिनिटी और ये आपको log 5 रेस टू 5 है, ये देखें डिवाइड बाय इंफिनिटी तो इसको आप लिख सकते हैं ये इंफिनिटी आ गया, 120 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा इंफिनिटी आ गया तो विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 120 डिवाइड बाय 1 बाय 0, ठीक है। तो ये 0 का मल्टीप्लाई इधर होता है तो 0 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आंसर 0 डिवाइड बाय 1, आंसर फाइनली कितना है आपके पास 0 आ गया। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 इन रूट 1 प्लस x माइनस इन रूट 1 माइनस x डिवाइड बाय साइन इनवर्स x दिया हुआ है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे इसको थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं, आप चाहो तो इसको क्या करेंगे, आप चाहो तो डिफरेंशिएट करके कर सकते हो और चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो मर्जी करें वो मर्जी से कर लो। ये देख रहे हैं ना ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। सब फैक्टराइज करके कर लेते हैं या तो फिर रेसलाइज करके कर लेते हैं, ऐसे रूट है रेसलाइज के बारे में सोच लो, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको चाहिए क्या एल हॉस्पिटल, ठीक है एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल आप लोगों के लिए जब अच्छा लगता है तो लगा दो एक्सटेंडिंग टू 0 इसका डेरिवेटिव 1/2 में 1+x माइनस 1/2 में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर इसको देखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/ इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब ये देखेंगे एक्स टेंडिंग्स टू 0 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स टेंडिंग्स टू 0 रखो तो कितना हो जाएगा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा माइनस 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके पास कितना फाइनाइट आ रहा है रख दो वैल्यू वैल्यू रखें कितना हो जाएगा 1/2 इन रूट में 1+0 माइनस सॉरी एक चीज तो हम लोग भूल रहे हैं। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव करें तो माइनस में 1 करना हम लोग भूल गए क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव तो होगा ये माइनस वाला है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 इन रूट में 1-0 डिवाइड बाई 1/ ये आपके पास 1-0 आ गया, ठीक है। दिया है आपको कितना 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 1 तो कितना हो जाएगा 1/2 आधा और आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मींस आंसर आपको फाइनल 1 आ गया।